गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी है बकरी का सर, मतलब हिंदी में कहते हैं तेलुगु में कहते हैं तल का एक पूरा, हिंदी में कहते हैं मुंडी का मटन और उर्दू में कहते हैं मुंडी का समथिंग। ये बकरे का हेड है। माँ चुबा खुद ही सवाल आ रही मेरे को, होगी कितना बड़ा चुबा निकला गया। सो गाइज मैं बनाने वाली हूँ मुंडी का मटन। तो मैंने इसको एक दो पानी में साफ धो लिया है, उसके बाद फिर भी इसमें ज़्यादा इन्फेक्शंस वगैरह कुछ भी ना हो बोलने के लिए मैंने बॉइल वाटर लिया है। ये देखो कैसे बॉइल हो रहा है। तो बॉइल वाला पानी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ताकि इसके अंदर के सारे इन्फेक्शंस मर जाए। और आधा पानी मैंने बाजू भी रख लिया है। ये जिसके अंदर की जो भी रेसिपी ऐड करूँगी मैं, वो सब कुछ है। टमाटर है, दिखा दो इधर, दिख रहा है टमाटर? टमाटर है, अदरक लहसुन है, और ये हाँ ये हल्दी है, नमक है, ये गरम मसाला है, ये मिर्ची है, ये कोथमीर पुदीना है। इधर तो प्रणीत एक बार, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम कंफर्टेबल नहीं दिखा रहे हो, दिखा रहे हो? थोड़ा थोड़ा कट हो रहा था। तो ये रहा मुंडी के मटन को, टमाटे और हल्दी, मिर्ची, नमक, अदरक लहसुन, ये सब मैंने ऐड कर लिया है। कोथमीर पुदीना, वन मोर फिर से बोल रही हूँ, तेलुगु में बोलूँगी अभी। तल का कूरा की टमाटा, पसुपु, कारम, उप्पु, गरम मसाला, अल्लम एलिगड्ड पेस्ट, कोथमीर पुदीना कड़गी पेट्टुकुन्नानु, ऑनियन, प्याज। तो मैंने दो छोटी छोटी प्याज ली है जिसको मैंने काट लिया है, और गैस पे रख चुकी हूँ। थोड़ा स्टॉक गर्म होने देना चाहिए उसको, प्याज से कचरा पट्टी मत दिखाओ यार प्लीज़, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ तो हल्का सा रिकॉर्ड कर रही हूँ। नो प्रॉब्लम, खिड़की खुली रहनी चाहिए, वैसे मुझे ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए। तो कुकर को पहले गर्म कर लो, ऐसा गर्म कर लो कि हाथ लगाते सर बल्कि जलना तो कुकर। और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। अब आप बोलेंगे आपका ऑयल का कैन कितना क्यों ऑयली है, ऑयल का कैन है भाई, ऑयली तो रहेगा ही। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, अभी देखो आवाज़ आ रही है, प्याज सुर्र बोल रही है। तो मैं इसके अंदर ऑयल, नज़दीक लो, ऑयल ऐड करूँगी, 1, 2, 3, 4, भर भर के तेल डालना, ये चमचा भर भर के तेल डालना, ताकि एकदम तेल ऊपर दुल्हन के ऐसा नाचना, लाल दुल्हन के साथ गुल 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 वैसा ऐसा तेल ऊपर तीरना, तब मज़ा आता। अरे बाप रे बाप, चमचा ऐसा पतला चमचा ले लो, मैं इससे रोटी सेकी थी तो अभी सेकी थी बच्चों के लिए, ये भी चमचा चलेगा, धोने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे साफ है। तो अब ये हो रही है प्याज लाल, तो मैं इसको लाल होने, ये मैं गट के छोटा सा पीस नहीं काटी थी क्या, काटी थी लेकिन वो कटा नहीं। तो अब ये प्याज को अच्छे से प्यार से लाल भून लो, जैसे बिरयानी में भुरभुराते नहीं वैसा। उसके बाद इसको जब तक धो लेंगे गर्म पानी में, अगर गर्म करें इसे हाथ डाले तो हाथ नहीं जल जाएगा मेरा। वैसे मैं मुंडी का मटन बहुत अच्छा बनाती हूँ। आज प्रदीप बोल रहा था कि मम्मा आज मुंडी का मटन बनाओ, मेरे को बहुत दिन हुआ खाने है। तो ये गर्म गर्म पानी जो इसमें 2 मिनट में ऐसे छोड़ दी, जब तेल डाले तक खो देखे होंगे ना आप लोग, तो मैं ये पानी को फेंक देती हूँ। हटाओ मोरी भी दिखा दो, क्या नालायक बेवकूफ, मेरे को इसे बिसांदे जैसा पकाना बोलता, मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो प्याज में लाल फिर देखो गर्म पानी, फिर और थोड़ा मैं बचाई थी ना, फिर वो गर्म पानी हल्का 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 ऊपर मटन पे डाल दो, ताकि मैं सुनी हूँ कि मुंडी के मटन में कीड़े रहते, बोल के खानों में कीड़े रहते कहते सुनी हूँ, उड़ती उड़ती सुनी हूँ, देखा कभी नहीं है मैंने। तो फिर से इसको हल्का हल्का सा गर्म पानी से धो लो, ताकि इसके अंदर जो भी कीटाणु दुकान पर रख देते ना, काट के सबड़ा मुंडा मरा हुआ रखते, तो उस पर धूल मिट्टी कुछ भी जम जाती ना, तो वो थोड़ा सा साफ़ हो जाए। देखो मैंने ऑलरेडी 2-3 बार इसको साफ पानी से धोया है, फिर से मैंने इसको गर्म पानी से धो रही हूँ, ताकि इसके अंदर जो भी चर्बी गिरवी चढ़ी भी होंगी ना, वो पूरी निकल जाना। वैसे मैं मटन ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाती, तो ये मेरा जब तक धुल जाता है, जब तक मैं कर लेती हूँ कांदा लाल, यानी कि प्याज कटी लाल। तुम ये छन्नी ना को दिखाओ, तो हो जाएगी प्याज लाल लाल, बेबी लाल लाल हो रही है प्याज लाल। मेरा बच्चा अम्मा कहाँ कहाँ के आधे आधे काम आ करके रखता, जिंदगी टाइप
तो ये हो रही है प्याज लाल, थोड़ा दूर रखो कैमरा गर्म हो जाएगा ना हमारा, हटाओ हटाओ। जब तक ये प्याज लाल होती आप लोग जरा इधर उधर टाइल के आ जाओ, दिखा दो। तो आ गए आप सब लोग ऑफिस रिटर्न, तो गए आप सब लोग थोड़ा इधर उधर जाके, तो देखो प्याज मम्मी तो ना कभी भी ना गर्म हो गई, तो प्याज हो गई मेरी लाल, तवा भी गर्म हो गया, तो कभी भी ना इधर देखो भूल के भी चमचा इसके अंदर नहीं छोड़ना, मैं भूल के छोड़ दी थी, हाँ जल गया। तो हो गई मेरी प्याज लाल लाल, तो प्याज लाल हो रही है, मैं रोटी भी बना रही थी, तो ऐसा जाली वाला चमचा ले लीजिए जिसमें से पानी अलग हो जाए। अब ये गर्म गर्म पानी में तो तुम हाथ नहीं डाल सकते ना, तो ये गर्म गर्म हो गया, सो मुंडी का मुंडी ये गई अब इसके अंदर। तो मैं तो कुकर में दिखाओ कढ़ाई को नको दिखाओ, कभी कभी हो जाता है इधर मैं मुर्गी बकरे की खाना निकाल देना था मैंने, तो मैं इसके अंदर कर दी हूँ ऐड। तो प्याज लाल हो गई थी ना, उसके अंदर हल्लू मैं इसमें मटन ऐड कर दी मुंडी का, दूर रखो कैमरा, और उसके अंदर मैं डाल के अच्छे से मिला ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा मिल जाएगा। तो ये जब तक अच्छा भून नहीं जाने दो, लाइटर कहाँ गया, तो जब तक अच्छा अपन छोटे 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 पतले पतले पराठे डाल देंगे ताकि मुंडी के ग्रेवी के साथ खाने के लिए काम आ जाए। तो पराठे डालना भी सिखाने वाले हो क्या आप? नहीं यार मैं से अच्छे पराठे डालते ही लोग, मेरा तवा ऑलरेडी गर्म था तो मैं डाल दूँ तवे के ऊपर। अब कुछ लोग और कमेंट करते हैं आपकी कढ़ाई काली पीली क्यों है, मेरी कढ़ाई काली पीली इसलिए है क्योंकि वो कढ़ाई मेरे लिए कम्फर्टेबल है। मैं नॉन स्टिक के भारी भारी कढ़ाई ला के वही काम करना है चूल्हा जलाने का है, तो कुछ लोगों ने कहा है पहले कढ़ाई चेंज करो, मेरी कढ़ाई मेरी वजह ही वो काली रहने दो पीली रहने दो, जितनी पुरानी है उतनी अच्छी रहती है। तो ये और एक इसका बन रहा है, कल तड़का था जी आज का था चिड़ा तबका उड़ा था जी। तो अब इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ मैं सब मसाले, सबसे पहले ऐड करूंगी गिर गया क्या अदरक लहसुन पेस्ट। अब इसके अंदर अच्छे से भून लेना, जब तक भूनना मत में जब तक ये अदरक लहसुन अच्छे से खुशबू नहीं छोड़ देता, घर में पूरी महक जाना अदरक लहसुन की खुशबू, वगैरह खाना बनाए तो आती ना खुशबू अदरक लहसुन की। ये देखो जब तक रोटी देख लो कैसा फूल रही मेरी फुलका ये फुलका लो अदरक लहसुन भी भूल गया आपका, इधर दिखाओ मेरे को जब तक उसको जलने दो थोड़ा। तो अदरक लहसुन को अच्छा भूनने के बाद आपको करना रहेगा इसके अंदर हल्दी मिर्ची नमक गरम मसाला अदरक लहसुन तो डाल चुके हैं ये सब डाल देना, बर्तन ज़्यादा नहीं कर लेना ये पका रहे बोल के, इससे भूसे बर्तन डाले तो कामवाली भी भाग जाती आपके भाता भी दर्द होके पका है बोल के बाजू वाजू वालों को मार मता। तो ये बन गया फुलका, जब तक ये मसाले भुने जाने दो मैं एक फुलका बेल लेती हूँ। अच्छा छोटे छोटे गोल गोल फुलके मेरे को बेले नहीं आता, जैसे आते मैं वैसे बेल लेती हूँ, और मैं बहुत कुकिंग में मैं इतनी फास्ट हूँ फटाक से मैं कुकिंग कर देती हूँ। अभी देखो 10 मिनट में मेरा सब कुछ काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा दूसरा फुलका भी बन रहा, जब तक आप अपने इसको देख लो, देखो मसाला नीचे चिपक रहा ना मेरा, ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करो। ये डाल दो उसके अंदर कटे हुए टमाटर डाल दिए, मैं 2 से 3 टमाटर ली हूँ, खास रखे क्यों ऐसा बाजी में चला डाले मसाले थोड़ा पकड़ लिए वो उनकी मल मसाले, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लो। जब तक टमाटे को अच्छे से भूंद लो, कैसा भूंदो अच्छे से भूंद लो, नहीं चमचे से भूंदो, चमचे से भूंद लो। फुलके भी रेडी, अच्छी खुशबू आ रही है अम्मा, खाते तो नहीं बोलना चाहिए, मैं नहीं खाऊंगी मम्मा बकरे, देखे तो पसंद नहीं लगता,
खाने में अच्छा लगता। तो ये देखो मेरा टमाटे भी अच्छे अच्छे भुन गए हैं। रोटी और ये किसकी चक्कर में रोटी नहीं जलाना है, मैं ज़्यादातर बच्चों की चक्कर में रोटी जला देती हूँ, तो इसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं जलाना है मेरे ख्याल से। ये भी भुने गया। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा पाउडर। दूर हटो, ये क्या पाउडर है पूछो जरा, पूछो क्या है ये? नहीं वो लोगों को पूछो, बोलो पूछ लिए कहते, पूछ लिए कहते। तो इसके अंदर है तिल हल्दी खोपरे का पाउडर। बहुत ज्यादा खाट उठ गई ना, ये आप घर में बनाए? हाँ ये घर में का है। तो देखो तेल कैसा छुटरा देखो उसके अंदर, देखे अच्छा करे खाइए जब से मिल रहा इसमें था मेरे को जुड़ा चमन। हाँ तो ये देखो, देखें आप जरा नज़दीक देखिए तेल कैसे टपक गया करते मिक्स हो गया। आप ऐसा ये तिल फल्ली का पाउडर लेके ऊपर डाल देना। कितना डालना? जितनी ग्रेवी होना उतना डालना, तो मेरे को थोड़ा बस है स्वाद अनुसार बस है, क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी में तो हमारे बच्चे मटन वगैरह नहीं खाते बिल्कुल नहीं। मेरे को नॉनवेज पहले तो मटन वगैरह नहीं पसंद है। अब ये तिल फल्ली को डालने के बाद तो बंद हो जाए जब तक। तिल फल्ली को डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लो। तिल फल्ली की खुशबू आ रही जैसे कैसे आती मतलब हो क्या हो ना, मैं मटन की बू आ गई तुम्हारे को इसलिए आ गई तुम इधर, ऐसी खुशबू आ रही जैसे कि बघारा खोरमा, आलू का खोरमा बनाते हैं बघारा खोरमा। वाह हाँ वैसे खुशबू आ रही रही नहीं डिब्बू आलू के खोरमे की खुशबू आ रही नहीं। हाँ तो मसाले उसके अंदर भून गए मसाले, फिर से चूल्हा जला लो रोटी डालने। हाँ गैस जला दो और इसे आ गई मटन की स्मेल। तो ये गया मेरा फुलका तवे पे। इधर देखो तेरे को लास्ट फाइनल इंग्रेडिएंट कोतु पुदू को ऊपर पर से डाल लो। कोतमु पुदू मतलब आप कंफ्यूज मत हो, जाके शॉप में वही मत पूछो, इसका नाम है कोतमीर पुदीना। हाँ कोतमीर पुदीना दिख रहा दिख रहा। अब तुम लोग बोलेंगे सालन पूरा करी पूरी जल जा रही नीचे, नहीं वो तिल फल्ली डाले ना थोड़ा थोड़ा पकड़ लेता। डिंपल एक ग्लास पानी दो, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, तुम्हारे मामी हंस रहे होंगे। नहीं तो बाजी जला दिए बाजी क्या कर रहे तुम बोलते। तो जब तक देखो फुलके रेडी है, छोटे छोटे फुलके पतले फुलके। अब हॉट बॉक्स छूने का इतना टाइम ही नहीं है क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो तो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होता, हो जाता पर टाइम लगता। दिए पानी दिए लो। तो ये रहा एक चम्बू पानी। ये पानी इसलिए डालना, इधर हटो। आपके घर में कंतरी बच्चे हैं पतला खाने वाले, मेरे घर में नॉटी बच्चे हैं जो थोड़ी ग्रेवी खाते, तो पानी हिसाब से डालो। अगर बच्चे ज़्यादा ग्रेवी नहीं खाते तो सूखा खा लो, नहीं बच्चे ग्रेवी खाते पतला राइस के लिए बना बोलते, एक चम्बू पानी डालो, और ज़्यादा पतला खाते तो दो मिला दो, कोई टेंशन नहीं। इधर दिखा एक बार, थोड़ा एक पिक्चर भी ले इसकी थंबनेल के लिए। तो मैं क्या बोल रही थी, रोटी जल रही थी मेरी, अब मैं पराठे बनाऊंगी मेरे लिए, छोटे छोटे फुलके घर वालों के लिए। तो मैं बोल रही थी ना बच्चे ज़्यादा ग्रेवी ज़्यादा खाने वाले हैं, घर में कोई फ्लास मेहमाना जल्दी आ गए, बहुत मेहमान आ गए सॉरी फ्लास बोल दिया, तो पानी ज़्यादा मिला दो। तो इधर देखिए फोटो लिए थे तुम इसकी ना। क्यों स्क्रीनशॉट ले लूंगा, स्टार्ट करो ठीक है रेडी। तो मैं डाल दी हूँ इसके अंदर बे इंतहा चम्बू भर के पानी, मूसी सॉरी सालन का। इसके डाली मैं थोड़ा मांजरे का पानी, फिल्टर का पानी, आरो रहा तो आरो का डालो, गारो रहा तो गारो का डालो। दिखाओ पतला कितना हुआ, दिख रहा है आपको? दिख रहा सवर पूरा सर दो कैमरा उधर दिखा, मैं थोड़ा और पानी डालती हूँ क्योंकि दो तीन विजिल्स लगाऊंगी ना मैं तो। और थोड़ा पानी उठाओ गिम्बल, वो लॉक हो गया कढ़ाई को, हो गया पानी ऐड कर दी मैं उसमें। तो अभी सीटी देने के बाद ही चाहो तो मत, सीटी देने के बाद हाँ इसका ढक्कन नहीं दिख रहा मेरे को, सीटी तो दे देता उन्हें मगर। तो ये कुकर हो गया चूल्हे पे चढ़ गया, तो ये देख रहे हो वीडियो लैग हो रहा है हीट से। तो पानी में थोड़ा ऐड करी, थोड़ा और ज़्यादा भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा पतला होना मेरे को भी। तो आप इसको 2-3 सीटियां मारने के बाद मिलेंगे, चलो बाय बाय। तो मम्मी ने बना लिया है पराठे।
ये देखिए गर्मा गर्म पराठे। अब तो हम खाएंगे इसके साथ पराठे। पराठे तो बल्ले बल्ले। तीन फुलके बने हैं घर वालों के लिए और तीन पराठे बने हैं मेरे लिए। मैं थोड़ा ऑयल ज्यादा खाती हूँ। फिर मैं कहाँ गया वहाँ? रात का खाना 11 बजे की डाइट पे बोला ना? मैं बोला? हाँ नहीं तो क्या? नहीं बोला? एक रोटी बना दो। या? एक नहीं दो नहीं तीन नहीं। ठीक है फिर। तो पकने के बाद बुलाओ। पराठे 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 मुंडी के सब्जी के साथ पराठे। हाँ पराठे क्यों जाते? मिल जाते। तो ठीक है। 10 मिनट 20 मिनट में सब कुछ बन जाता है मेरे पास। ओके बाय। तो ये बन गए पराठे गर्मा गर्म। देखो इसकी सीटी की आवाज सुनाई दे रही है आपको? दूर हटो दूर हटो। व्लॉग में वही सुनाई दिया अभी तो। हाँ तीन सीटीज पक्का ले लेना नहीं तो तीन सीटी होते के साथ ही उसको बंद करना रहता। हाथ जल गई? नहीं हाथ तो थोड़ा सा था। और तवे को कभी खाली नहीं रखना, पकने के बाद थोड़ा सा टुकड़ा उस पर रख देना कभी भी रोटी का। तो तो गाइस खाना बनाने के बाद अम्मा मेरी कमर हाथ को आ गई, बोल के चूल्हा सड़ा गिरा ना को छोड़े कचरा फेंक के आओ पहले। जाओ चुप जा जाओ। इन्हें झाड़ू भी लो। हाँ कचरा फेंक के चलो कढ़ाई खोल लो। लेके कच्चा कपड़ा लेके दबा के चूल्हा भी पोछ लो। चूल्हा किचन कभी भी खाना बनाने का छड़ा पड़ा फेंके अम्मा पका के आई नहीं, बल्कि सोफे पे नक्को लेट जाओ नक्को बैठ जाओ, चूल्हा भी साफ कर लो। चलो मैं तो चूल्हे को आड़ा तेड़ा की सही जैसा भी सही, क्योंकि मैं सवेरे 5 बजे उठी हूँ आज तो मैं बहुत थक चुके हैं बहुत। अब देखो मैं चूल्हा भी पोछ ले लूँ ताकि चूल्हा साफ सुथरा रहे, समझ गए ना? तो इधर उधर इधर उधर अब जाओ नक्को तुम लगा। एक दो तीन तीन सीटियाँ देने के बाद कुकर को हल्लू नीचे ले लेना, उसके अंदर हवा नहीं है बल्कि मालूम होगा ना आप लोगों को। इधर मेरे को दिखाओ हल्लू आराम से प्यार से कुकर खोलना। निकल गई इसकी हवा? कहीं नहीं निकली, बल्कि जबरदस्ती में हवा गिवा खींचम खाच करके कुकर नको खोलो। खुल गया। खोलू खोलू दिखाऊं कैसा है? दिखाऊं वो बीबी वाला बीबी कम टू हैदराबाद। देखे दिख रहा है ना? दिख रहा। थोड़ा नजदीक लाओ, इधर लाओ। तुम थोड़े से इड़े चढ़े कर देते कभी कभी। इधर लो कहीं कुकर गिरा दोगे अंदर तो अंदर? फोन भी चल रहा है क्योंकि मैंने पैनल निकाला था। ये देखो दिख गया कैसा खमल रहा हल्लू 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 हल्लू। ये देखो ये देखो अभी आप लोगों के सामने कुकर। हाँ देखिए तो मैं आप लोगों को वाह क्लैरिटी बढ़ी क्या इसकी। हाँ तो मैं अभी आप लोगों को प्लेट में लगा के देती हूँ, पकड़ो। तो अब ऐसा डोंगा चमचा लेना और उसको ऐसा सा हिला लेना। जबान कहाँ है? जबान 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 आंखा तो मिल गए, जबान कहाँ है? जबान ये देखो मिल गई। देखो जबान ये है क्या? जबान है। तो एक कटोरे में हल्लू प्यार से डाल देना उसको, एक छोटा सा तो बड़ा टुकड़ा छोटा टुकड़ा, फिर और एक जबान मिल गई ये भी डाल देना। शायद से बकरा बहुत बात करता था, बहुत तेज लग रहा है ये बकरा। हाँ तो ये देखो हो गया हो गया। डिपल लाइट इधर दिखाओ। अब इसके अंदर खाने तो दो पराठे या नहीं तो फुलके छोटे छोटे दो से तीन फुलके। हाउ्स इट स्टॉप। और अब मैं पराठे को तोड़ूंगी उसमें डुबाऊंगी। अब बहुत गर्म है क्योंकि अभी चूल्हे पे से निकाली ना, मेरे मुंह में पानी ऐसा आ रहा तालाब भर के बह गया ऐसा। नहीं नहीं मिलेगा पानी तो उसे भी आ रहा है मुंह में। इधर दिखा डिबल नजदीक आ जाओ। रेडी? मम्मी खाने से पहले ब्रेक कर दिए। भगवान के नाम दे।
ये जबान कहाँ घुस गई? जबान ना को ऐसे खाना खाए, ऐसे चूस चूस के खाना। ये बोल रही है। अरे उसको देखो। दो मिनट। इतना सॉफ्ट गला है। जरूर हम खाएंगे। खामा को बस रोटी और चाय दबा के खाएं। डिंपल आजा बेटे इधर। डिंपल को दिखाओ जा, मेरी बेटी को दिखाओ। ये आपकी बेटी है? हेलो। कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा है? अभी कर जबान चबड़ चबड़। कैसा है निगल ली? तो गाइस आप लोग को पता चल चुका है ना मुंडी का सब्जी कैसी बनानी चाहिए। ये फुलके तो घर के साफ खाएंगे, ये रोटी प्रणीत और मैं खा लेंगे। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड नो सब्सक्राइब नो लाइक एज यू विश। आपको पसंद आया तो करो, नहीं तो मैं बोल दूं टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। बाय। खाने में लग गए हैं दोनों के दोनों। बाप रे।